सिंगरौली में अडानी फाउंडेशन द्वारा पुल बनवाया गया है। पुल के बनने से कई गांवों को लाभ मिलेगा। इसका उद्घाटन देवासर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र मेशराम ने किया है। अडानी फाउंडेशन ने ग्रामीणों की जरूरत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाओं के अंतर्गत मझौली और कुंदा गांव को जोड़ने वाले पुल का निर्माण करवाया। पहले यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे दो गांवों के बीच संपर्क टूट गया था, लेकिन इस पुल के निर्माण से आम जनता को और ग्रामीणों को काफ़ी फायदा होगा। इस मौके पर मझौली पंचायत के सरपंच श्यामडे पनिका ने अडानी फाउंडेशन को धन्यवाद करते हुए कहा कि दो गांवों को जोड़ने वाले इस पुल के चालू होने से स्थानीय ग्रामीणों के अलावा भी स्कूली बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। अडानी फाउंडेशन ने स्थानीय शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले 6 प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किए। मझौली कुंदा के गांवों के बीच ये एक पुलिया टूटा हुआ हम लोग देखे हैं और ग्राम पंचायत से हम लोग को आवेदन आया कि ये पुलिया नहीं होने के कारण ये बहुत गाँवीय वासियों को आना जाना का बहुत तकलीफ झेल रहा था, तो हम लोग को आवेदन दिया कि इसको मरम्मत करने के लिए। लेकिन हम लोग इसको मरम्मत ही नहीं, सीएसआर फंड के तहत इसको एक नया पुल बना के आज अडानी फाउंडेशन के द्वारा ये हम लोग ये सार्वजनिक का काम करके बहुत खुशी रह रहे हैं और लोग को अभी आना जाना ये पुल बनने के बाद बहुत आसान हो गया और सब लोग बहुत खुशी है। सर्वप्रथम तो सर इसमें अपने पंचायत में जो ये अडानी फाउंडेशन के द्वारा ब्रिज बना है, इसमें सर्वप्रथम बच्चों की सुविधा आने जाने की, एम्बुलेंस की सुविधा आने जाने की, और जो लोग ड्यूटी जाते हैं उनके लिए, प्लस 1, 2, 3 जो आसपास के गांव हैं, ये समस्त लगभग यहाँ के 400 से 500 की आबादी इसे स्कूल से बराबर आवागमन करेगी, जिसमें उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत सुविधाएँ होंगी। मैं अडानी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।